हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको देखिए बचे हुए फैब्रिक से बहुत ही प्यारे से लटकन बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरीके का कोई डिज़ाइनर फैब्रिक है तो उसे आप बहुत ही प्यारे से सुंदर से लटकन बना सकते हैं। तो मेरे पास देखिए ये ब्लाउज से बचा हुआ एक वेलवेट का फैब्रिक है और इसके ऊपर देखिए इस तरीके से राउंड शेप बने हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको हम चारों तरफ से कट करेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए गाइस, अगर आपके पास कोई ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर स्क्वायर शेप बना हुआ है या फिर ट्रायंगल शेप बना हुआ है तो उसे आप इस तरीके से देखिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उस तरीके से आप लटकन बहुत ही प्यारे से लटकन बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये लटकन बनाने के लिए टू पीसेस कट करने हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ छोटे राउंड पीसेस बने हुए हैं, इसको भी हम कट करेंगे। इसका यूज़ करके देखिए हम बहुत ही सुंदर से लटकन यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टू छोटे पीसेस कट किए हैं एंड टू बड़े पीसेस कट किए हैं और यहाँ पर देखिए एक डोरी लेंगे और इसका ऐसे लूप बनाते हुए जो कपड़े की राइट साइड है वहाँ पर रखेंगे और स्टिच लगा के इसको यहाँ से पक्का करेंगे। एकदम से रेडीमेड लुक वाला हम यहाँ पर देखिए लटकन बना के रेडी करेंगे। जब ये कंप्लीट रेडी हो जाएंगे तो आप खुद ही देखना बहुत ही प्यारे लटकन यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद देखिए जो दूसरा पीस है इसको हमें ऐसे उल्टा इसके ऊपर रख देना है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो इसका राउंड शेप है उसको मिलाते हुए इसको रखना है इस तरीके से देखिए, और इसके चारों तरफ हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा हाफ इंच जितना या फिर एक इंच जितना इसका एरिया यहाँ से ओपन छोड़ेंगे, बाकी इसमें राउंड में एक स्टिच हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्टिच लगा ली है और थोड़ा सा यहाँ से देखिए इसका जो भाग है इसको ओपन रखना है और अभी देखिए इसको हम फोल्ड करके सीधा करेंगे और किसी नुकीली चीज़ से देखिए आप इसको सीधा कर लें इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें हम जो हमारा वेस्ट फैब्रिक है जो कपड़े की कतरन हमारी बच जाती है वो इसके अंदर हम फिल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन भी फिल कर सकते हो। तो वेस्ट फैब्रिक की देखिए मैंने छोटी छोटी सी कतरन बनाई है और इसके अंदर फिल कर दी है इस तरीके से देखिए, और जो इसका ओपन वाला भाग है इसको इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर स्टिच लगा के इसको यहाँ से पैक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से पैक हो चुका है और इसी तरीके से हमें जो छोटा वाला पीस हमने कट किया था इसको भी देखिए मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मैंने ये कपड़े की कतरन है वो फिल कर दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम छोटा सा एक प्लेन फैब्रिक लेंगे साइड से और इसका देखिए एक छोटा सा बैल वाला जो लटकन हम सिंपली बनाते हैं वो यहाँ पर बना लेंगे, तो शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए स्टिच लगा के इसको हमें सीधा कर लेना है, ये रेडी हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर बीट्स लेने हैं, तो मैंने एक यहाँ पर छोटा बीट लिया है और एक बड़ा बीट लिया है और इसकी हेल्प से देखिए इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारे सुंदर से प्यारे से लटकन यहाँ पर बनके रेडी हो गए हैं। इसको आप ब्लाउज़ में, इवन आप इसको लहंगे में भी लगा सकते हैं। एकदम से रेडीमेड वाला लुक यहाँ पर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।